हैं। अब अगले दौर में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, कुछ यूनियन टेरिटरीज, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को। जल्दी से इन सीटों पर हम नजर डालते हैं। 6 सीटें हैं जम्मू और कश्मीर में, और यहाँ एक इसमें लद्दाख भी शामिल है। इसमें 1 से 3 सीटें एनडीए की, 3 से 4 इंडिया की, 0 से 1 अन्य की दिखाई जा रही हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का ब्यौरा है और लद्दाख के साथ, और बाकी की यूनियन टेरिटरीज की डेटा भी अगर हम देख लें तो 6 सीटें यूनियन टेरिटरीज में हैं। दमन, दीव, अंडमान वगैरह अगर आप देखें तो चंडीगढ़ भी है इसमें। एनडीए 2 से 4, इंडिया 1 से 3, अन्य में 0 से 1। और पूर्वोत्तर की राज्यों में क्या कहानी बन रही है, मणिपुर के बाद ये राज्य क्या सीटें दिखा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होगा देखना। अगर हम सबसे पहले देखें पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो एनडीए 4 से 6 सीट, इंडिया 3 से 5, अन्य 1 से 3, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और मानव जायसवाल जी, पूरा देखते रहिएगा ये नंबर। आसाम का नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है। आसाम में 14 सीटें हैं और 14 में से बीजेपी को कितनी जाने वाली हैं और कांग्रेस को कितनी, ये आपके स्क्रीन पर बस अगले 30 सेकंड के अंदर आ रहा है। 9 से 11 सीटें एनडीए को, इंडिया को 3 से 4, अन्य को 0 से 1।